नमस्कार, जनसत्य न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। दुनिया के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का एक बार फिर से डंका बजा है। इसी का परिणाम है विश्व स्वास्थ्य मंच पर भारत को एक अहम स्थान मिला है। जहां लगभग सभी देश कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से परेशान हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में भारत ने एक उपलब्धि हासिल की है जो भारत के गौरव को विश्व स्तर पर एक बार फिर से बढ़ाएगी। बीते कुछ सालों में विश्व स्तर पर भारत की उभरती छवि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती साख और सम्मान इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार का डंका हर ओर बज रहा है। बात चाहे यूएन में भारत की मजबूत स्थिति और प्रभावशाली नेतृत्व की हो, या एशियाई देशों में भारत को बड़े भाई की भूमिका में देखे जाने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति दुनिया के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर आया है। लेकिन अब जो कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है, ये आज के दौर में सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से तिलमिलाई हुई है। लगभग पूरे विश्व में हेल्थ इमरजेंसी लगी है। हर कोई कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और इसके वैक्सीन को खोजने की जुगत में लगा है। इस दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समय समय पर WHO की गाइडलाइन के अनुसार कई देश अपनी रणनीतियों में बदलाव भी कर रहे हैं। इतिहास में इस समय की गंभीरता और WHO की भूमिका के मद्देनजर जो उपलब्धि भारत ने हासिल की है, वो असली मायनों में भारत के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के चेयरमैन चुने गए हैं। भारत के द्वारा कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पद ऐसे वक्त पर संभालना बहुत मायने रखता है। WHO में ऐसे 34 सदस्यों का बोर्ड होता है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशल जानकार होता है। इस बोर्ड का काम हेल्थ असेंबली में तय होने वाले फैसले और नीतियों को सभी देशों में ठीक तरह से लागू कराना होता है। हर्षवर्धन इसी बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। हालांकि भारत के लिए ये उपलब्धि थोड़ी चुनौती भरी हो सकती है, इस समय WHO की भूमिका अहम है, लेकिन उसकी भूमिका पर सवाल भी उठ रहे हैं। अमेरिका WHO पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और कोरोना की चेतावनी देर से जारी करने को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन के पास अनुभव और काबिलियत है। मोदी जैसी शख्सियत का साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मोर्चे पर देश का गौरव बढ़ाया है। दुनिया के मंच पर अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और प्रतिष्ठा हासिल की है। भारत के अंदर भी प्रधानमंत्री के प्रयासों से कोरोना महामारी से मौत का आंकड़ा काफी कम हुआ है। ऐसे में भारत दुनिया के सामने अपनी जिम्मेदारी निभाने में बखूबी सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जनसत्य न्यूज के और वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।